हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, मेरे पास आज है इम्पेक्स का ट्रॉली स्पीकर TH25B स्पीकर। तो आज मैं इसी की करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग, और इसके बारे में आज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, इसको आप एक कैरियोके स्पीकर बोल सकते हैं, या फिर ब्लूटूथ स्पीकर बोल सकते हैं, या फिर आपको जो बोलना है वो बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए इस बॉक्स को ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं इसके बॉक्स पे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इसका बॉक्स, और इस स्पीकर में हमें मिलती है 2 ईयर्स की वारंटी, और यहाँ पर MP3 MP4 का सिस्टम है, ब्लूटूथ है, वायरलेस माइक हमें इसके साथ मिल जाता है, और आप चाहें तो वायर वाला माइक भी इसमें अटैच कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर देखिए ऑक्स केबल, आप इसको अपनी TV कंप्यूटर किसी से भी बड़ी आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर TF कार्ड भी मिलता है हमें, FM रेडियो भी मिलता है, और यहाँ पर यूनिवर्सल USB भी हम इसमें लगा सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें अल्ट्रासाउंड दिया गया है। तो इस साइड में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ हमारे फीचर्स दिए गए हैं। ये देखिए आउटपुट पावर इसमें है 25 वाट का। तो ये स्पीकर हमारा 25 वाट का है, और उसके अलावा यहाँ पर हमें मिलती है वायरलेस कनेक्टिविटी, USB, TFD, FM फंक्शन, LED लाइट भी मिलती है, रिमोट कंट्रोल भी मिलता है, इनबिल्ट रिचार्जेबल बैटरी भी मिलती है हमें, इसके साथ ही व्हील एंड हैंडल सपोर्ट भी मिलता है, और लास्ट में हमें यहाँ पर वायरलेस VHF माइक भी मिल जाता है। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए इस बॉक्स को ओपन कर देते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारे स्पीकर ये कैसा है। तो अभी हम इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा बॉक्स ओपन हो गया है। अब इसके अंदर क्या क्या माल हमें मिलता है वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ऊपर ही यहाँ पर रखा हुआ है एक माइक, ये एक वायरलेस माइक है। ये देखिए, इसमें लगती है बैटरी, आप इसमें बैटरी लगा करके इसका आनंद ले सकते हैं। और ये यहाँ से, ये देखिए, इसमें सारा फंक्शन है, ऑफ ऑन यहाँ से आप कर सकते हैं। और इसमें बैटरी का सिस्टम यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए, इसको ओपन करके यहाँ पे आप बैटरी लगा सकते हैं। तो अभी मैं इसको साइड में रख देता हूँ। इसकी मैं बैटरी भी इसके साथ ले आया हूँ, क्योंकि आपको मैं इसे कनेक्ट करके दिखाऊंगा। उसके बाद हम यहाँ से इसका थर्माकोल हटा लेते हैं, जब से बाद में इसे हम रखेंगे। उसके बाद ये मेन हमारा स्पीकर ये आ गया है। डब्बे को हम रखते हैं साइड में। इसके अंदर कुछ, और फ्रेंड्स, इसके अंदर हमें ये इसकी यूज़र मैनुअल, और यहाँ पर इसका ये प्लग वगैरह मिलता है। तो इसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं। ये हमारा है यूज़र मैनुअल, और ये एक वारंटी कार्ड भी है। तो इसे हम डब्बे में ही रखते हैं, क्योंकि अगर कभी हमारा स्पीकर ख़राब होता है तो हम उसे बनवा सकते हैं। इसमें 2 साल की वारंटी दी गई है। इसके साथ ही ये हमें मिलता है रिमोट, ये देखिए, और रिमोट में भी बैटरी की ज़रूरत होती है। देखते हैं इसमें बैटरी लगी है या नहीं, शायद नहीं लगी होगी, लेकिन रिमोट का अभी इतना कुछ काम नहीं है। तो ये हमारा रिमोट, और इसमें बैटरी नहीं लगी हुई है, खाली है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर हमें ये मिल जाती है इसकी ऑक्स केबल, इसे हम अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही ये हमारा चार्जर है, इसे हम इसको चार्ज भी कर सकते हैं। तो चार्जर को हम ओपन कर लेते हैं, क्योंकि ये हमेशा लगा रहेगा, क्योंकि मैं इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करके रखूँगा। ये देखिए, तो मैंने इसका चार्जर ये ओपन कर लिया है। उसके बाद लास्ट में हमारा स्पीकर है, तो स्पीकर को भी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, तो फ्रेंड्स, ये है हमारा स्पीकर, और यहाँ पर ये देखिए, ये पावर का बटन है, ये ऑन हो चुका है। अभी इसमें मैं अपना फ़ोन कनेक्ट करता हूँ और देखता हूँ कि साउंड इसका कैसा आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये हमारा ब्लूटूथ है, इसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा ब्लूटूथ कनेक्ट हो चुका है। अभी मैं कुछ इस पर प्ले करके देखता हूँ।
ये देखिए यहाँ पर इसका साउंड आपको सुनाई दे रहा हूँ। फ्रेंड्स आपने सुना इसका साउंड किस तरह का है, वो आपने सुन लिया होगा। अभी मैं इसमें अपना माइक अटैच करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये बैटरी ली है ड्यूरासेल की, अब मैं इसे अपने माइक में इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पर मैंने बैटरी लगा दी है और माइक हमारा चालू है। हेलो हाँ, अभी देखिए मैंने इसका इको बिल्कुल लो कर दिया है। और ये देखिए जैसे जैसे इसका इको बढ़ाऊंगा वैसे वैसे आवाज आपको डबल निकलने लगेगी। ये देखिए तो इसका इको अभी मैं पूरा कम रखता हूँ, तो अभी इसका साउंड आप सुन सकते हैं माइक का। तो फ्रेंड्स ये स्पीकर इस तरह का है जैसे कि आपने देखा, और मैं इसको अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करूंगा और इसे मैं कुछ दिन यूज़ करूंगा, उसके बाद भी इसके बारे में बताऊंगा कि ये स्पीकर आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। तो फ्रेंड्स आखिर में बात कर ले इसके प्राइस की, तो ये स्पीकर ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ज़्यादा सस्ता भी नहीं। अगर इंडियन प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन पड़ता है मुझे 5,000 रुपये तक का, ये मुझे पड़ता है अगर मैं इंडियन प्राइस से कैलकुलेट करूँ तो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ कीजिए लाइक और शेयर, और इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, उसके साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन ऑन रखना पड़ता है। तो आपसे फिर मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Tell me that you